मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? सब बढ़िया? हाँ जी, आज हम मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले तो क्वेश्चन में क्या है कि जैसे काफ़ी क्वेश्चनों के अंदर आपको डाउट आ रहे हैं, तो स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको एक बार सारे कवर करा देता हूँ। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्टडी मटेरियल में नहीं एग्जाम के अंदर आ सकते हैं वो करा देता हूँ, जितने भी प्रॉपर्टी पेंडिंग है वो करा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं तो एग्जाम्पल देखिए, स्टडी मटेरियल ओपन कर लीजिए सभी बच्चे। तो एग्जाम्पल नंबर है ये, मैं देख लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर है ये 9। उससे पहले तो जो क्वेश्चन है वो सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई वाले, वो तो आप सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई डाउट आए तो जरूर पूछ लेना। तो एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर क्या है कि टू पार्टी है, पार्टी ए और पार्टी बी। मैं क्वेश्चन भी डाल देता हूँ यहाँ पे, देख लीजिए क्वेश्चन है। तो क्या दिया हुआ है, पार्टी ए और पार्टी बी, ठीक है, ये दिया हुआ है। और तीन टाइप के जो एज दे रखी है, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, इस तरीके से बना के दे रखा है ना ये। और क्या है इसके अंदर, जो एज है 20 से 50 ईयर, तो तीन कैटेगरी जो आपको दे रखी है, इसके अंदर 25 है, ये 25 है और फिर 15 है, ये 20 है, ये 30 है और ये 10 है, ठीक है ना। तो एक टाइप की मैट्रिक्स ही बन गई। ये तो लेबर दे रखा है, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर दे रखा है, नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स दे रखा। इसके बाद अगर हम आगे देखें, रेट ऑफ लेबर दे रखा है, रेट ऑफ लेबर दे रखा है। तो रेट ऑफ लेबर कितना दिया हुआ है इन्होंने, रेट ऑफ लेबर दे रखा है 1200, 1000 और 600 कैटेगरी वाइज। मतलब कि जैसे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, इस तरीके से दिया हुआ। तो यह है 1200, 1000 और 600, 1200, 1000 और 600। और आपको बताना है ये आपका क्या हो गया, लेबर, लेबर चार्ज इनका जो भी है। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लेबर आ जाएगी ना, लेबर के ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो आ जाएगी। मतलब नंबर ऑफ वर्कर की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ जो लेबर चार्ज है उसके साथ करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है कि मैट्रिक्स दे रखी है, तो कोई बात नहीं, आपको मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई करना आ गया। अब तो ये रो है, ये कॉलम है, तो 25 मल्टीप्लाई कितना, 1200, 25 मल्टीप्लाई कितना, 1000 और 15 मल्टीप्लाई कितना, 600। इसी तरीके से 20 मल्टीप्लाई कितना, 1200, फिर 30 मल्टीप्लाई कितना, 1000 और फिर 10 मल्टीप्लाई कितना, 600। तो ये हो गया, टू पार्टी अलग अलग आ गई, ए और बी, ठीक है। ये जो था आपका, ये मैट्रिक्स थी 2x3 की और ये मैट्रिक्स थी 3x1 की। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के सेम है, तो आंसर जो है आपका 2:1 में आ गया। देखो तो इसको मल्टीप्लाई किया, 25 को 12 से किया, कितना बना, 30,000। फिर ये कितना बना, 25,000 और ये कितना बना, 9,000। इसी तरीके से नीचे वाला 24,000, 30,000 और 6,000। तो ये ए और बी का आ गया आपका। तो ये तो कितना आ गया देखो, 64,000 और ये वाला कितना आ गया, 60,000। तो ए और बी का आ गया ये बस आपका। तो पूछा क्या आंसर के अंदर, देखो यही पूछा आंसर के अंदर कि इनका जो टोटल चार्ज है वो कितना बनता है। तो इनका जो टोटल चार्ज है वो कितना बना अपना, 64,000 एंड 60,000। बट ये ऑप्शन में थोड़ा सा गलत दे रखा है, इन्होंने क्या बोल रखा है, 640 बोल रखा है और 60,000 बोल रखा है। तो जो बुक है आपका स्टडी मटेरियल है, वहाँ पे जीरो की, प्लस माइनस की, मल्टीप्लाई की बहुत सारी मिस्टेक है। तो घबराया मत करो, मिस्टेक मत देखा करो, अपना कंसेप्ट है वो सही होना चाहिए, आंसर कुछ भी दे रखा हो बहुत सारी मिस्टेक है। तो इन मिस्टेक को इग्नोर करते हुए हम अपने कंसेप्ट को मजबूत करें, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अगर हम एग्जाम्पल नंबर 10 देखें, इसी से नेक्स्ट देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 10, तो मैं आपको क्वेश्चन भी दे देता हूँ, थोड़ा सा कराई देता हूँ इस क्वेश्चन को भी। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो देखो, एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, रीड कर लीजिए क्वेश्चन को। क्या बोलता है कि एक सर्टेन सिटी है, 5 कॉलेज है उसके अंदर और 20 स्कूल है, ठीक है। लो जी, 5 क्या दे रखे हैं, कॉलेज, और 20 क्या दिए हुए हैं, स्कूल दे रखे हैं,
ठीक है, कुछ नहीं करना, जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ, क्वेश्चन की बात हम मान लेंगे। तो कहता है ईच स्कूल, तो ये तो इसने डिटेल दे दी स्कूल की, और ये डिटेल दे दी कॉलेज की। क्या डिटेल दे दी कि स्कूल और कॉलेज के पास ना क्या क्या है, पीएन है, क्लर्क है, हेड क्लर्क है, और क्या है, केयर टेकर है, ये चीजें उन्होंने दे दी। तो क्या क्या है, लो जी, एक तो पीएन है, एक क्लर्क है, उसके बाद क्या दे रखा है, हेड क्लर्क और एक केयर टेकर। लो जी, हेड क्लर्क और केयर टेकर। एक बात ध्यान जरूर दे लेना, जो भी प्राइस होगा, रेट होगा, वो आएगा वर्टिकली। जो भी प्राइस होगा, रेट होगा, कोई चार्ज होगा, वो आएगा वर्टिकली। नंबर ऑफ जो आइटम, नंबर ऑफ प्रोडक्शन दे रखा, वो आएगा हॉरिजॉन्टली। ठीक है, मोस्टली सभी क्वेश्चनों के अंदर ऐसा होता है, कभी भी आप ट्राई करोगे तो। पीएन, क्लर्क, क्लर्क, हेड क्लर्क और केयर टेकर कितने दे रखे हैं, पहले वाले में 3-1-1, 3 PN 1 CLERK 1 HEAD CLERK। केयर टेकर कितना है, केयर टेकर तो क्या है, ये तो आपको स्कूल का दे दिया 3-1-1, वेयर ए कॉलेज 5 PN, कलर कितने हैं 3 और एक हेड क्लर्क, और हेड क्लर्क एडिशनल स्टाफ और केयर टेकर, मतलब केयर टेकर यहाँ पे है, इसमें केयर टेकर नहीं है, ये उनका स्टाफ हो गया टोटल, और स्टाफ हो गया। उसके बाद इनकी क्या दे दी, सैलरी दे दी जो भी है इनकी। तो लो जी, एक मैट्रिक्स बन गई, कितने बाय कितने की बन गई, ये बन गई जी 2x4 की, कोई बात नहीं, जितनी भी है उतनी लिखो अपना। तो फिर इन्होंने क्या दे दिया, इनका जो चार्ज है वो दे दिया, चार्ज मतलब जो भी रेट वगैरह, जो भी सैलरी है इनकी। तो पीएन, क्लर्क, हेड क्लर्क और केयर टेकर, ठीक है, पीएन, P4 PN, C4 CLERK, HC हेड क्लर्क और CT केयर टेकर। तो 1100, 1700, 3000, 2500, 1100, 1700, 3000 और 2500, 3000 और 2500, ये दे रखा है क्वेश्चन। तो ये 2x4 है, और ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की है, 4x1 की, तो ये तो सेम है, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। बाय चांस अगर आपको ये पता ना चले कि क्या वर्टिकल है ना क्या हॉरिजॉन्टल, तो काफी बच्चों के मिस्टेक होने के चांस होते हैं। तो एक चीज देखो, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, 4 और 4 सेम है, क्या 1x4 की मल्टीप्लाई 2x4 से हो सकती है क्या, इनकी मल्टीप्लाई तो पॉसिबल नहीं है ना। तो बाय चांस किसी की मिस्टेक भी हो, तो मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है, इनकी तो मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी थोड़ा सा हम देख सकते हैं। तो बस मल्टीप्लाई करना है, ये रो और ये कॉलम, तो ये स्कूल का हो गया और ये किसका हो गया, कॉलेज का हो गया। तो 3 × 1100 प्लस में 1 × 1700, 1 × 3000, और नेक्स्ट वाला तो 0 है ही, क्योंकि यहाँ पे केयर टेकर नहीं है स्कूल के अंदर। उसके बाद कॉलेज में 5 × 1100, 3 × 700, 1 × 3000 प्लस में 1 × 5000, बस इतना ही है। तो ये कितना आया, 3300, 1700, 3000 प्लस में 0, ये कितना आया, 5500, 5100, 3000 और 5000। हाँ जी, तो 3300, 1700, 5 और 3 8000 हो गया ये, और ये हो गया 5500, 5100, 3000, 5, 5 और 3 8 और 5 13, 13 और 5 18600 हो गया। तो एक स्कूल का जो एक खर्चा है वो कितना आ गया, 8000, और जो कॉलेज का जो खर्चा है वो कितना आ गया, 16100 रुपये, 16100 रुपये इन्होंने, नहीं 16100 नहीं आया अपना, तो ये आया 3000, अच्छा 2500 है ना, 5000 नहीं, 2500 है यहाँ पे, हाँ जी 2500 है, तो 2500 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 16100 आएगा। 5000 कहाँ से लिख गए भाई, पता नहीं कहाँ से 5000 लिख दिया। तो बस कैलकुलेशन ठीक करनी है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो एक एग्जाम्पल नंबर आपका कौन सा हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 10 हो गया। और एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर एक चीज़ और दे रखी थी स्टार्टिंग में, 5 कॉलेज 20 स्कूल दे रखे थे, उसका अपने को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ईच स्कूल और कॉलेज का चार्ज पूछ रखा है, स्कूल कितने हैं वो टोटल चार्ज नहीं पूछ रखा, तो उसका कोई मतलब नहीं है।
तो सी इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ चीजें कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, इनका कोई भी यूज इस क्वेश्चन के अंदर नहीं हुआ क्योंकि टोटल चार्ज तो पूछा ही नहीं है इसने, इसने बस टोटल मंथली बिल ऑफ ईच स्कूल या कॉलेज ये कन्फर्म किया है बस। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका, ठीक है। और नेक्स्ट वाला 11 तो मेरे को लग रहा है कि आप लोग कर लोगे ट्राई, 11 एक बार ट्राई करके देखना, किसी को डाउट हो तो फिर पूछ लेना, ठीक है। 11 के बाद हम देख लेते हैं कि आपके कहाँ तक जा रहे हैं, 11 और 12 है, एक और कर लेते हैं 11 या 12 में से। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, तो कर लेते हैं क्वेश्चन भी, टाइम बहुत आज हमारे पास, रिलैक्स मूड में हूँ मैं बिल्कुल, टाइम है आज, मैं फ्री हूँ काफ़ी। तो एग्जाम्पल नंबर 11 है, आप देख लीजिए फटाफट। सर सारे क्वेश्चन कराओगे क्या, जहाँ भी मतलब लगेगा डाउट है, छोटा सा चैप्टर है तो कर ही लेते हैं सारे। तो एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, क्या बोल रहा है कि दो फैमिली है, ठीक है जी। तो फैमिली ए होगी और फैमिली क्या हो गई, बी होगी, फैमिली ए और फैमिली बी। तो इनके अंदर मैन, वोमेन और चिल्ड्रन दे रखे हैं। तो जी एम से मैन, डब्ल्यू से वोमेन और सी से चिल्ड्रन, कितने कितने दे रखे हैं देख लो भाई, 4, 6 और 2। लो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद दे रखे आपको 2, 2 और 4, फिर दे रखे ये 2, ये 2 और ये 4, ये उनकी क्वांटिटी दे रखी है, क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं, ठीक है। और इसके बाद इनको चाहिए क्या चाहिए भाई, इनको प्रोटीन, प्रोटीन चाहिए इनको, और प्रोटीन चाहिए और क्या चाहिए, कैलरीज, कैलरीज एंड प्रोटीन चाहिए, ठीक है भाई, दे देंगे चाहिए। तो एम डब्ल्यू सी, तो कितना कितना चाहिए उनको, उनको चाहिए कैलरी और प्रोटीन। लो जी, तो जो मैन है उसको चाहिए, कितना चाहिए उसको, मैन को कैलरी चाहिए 2400 और प्रोटीन कितना दे रखा है 55, ये 2400 और ये 55 मैन को, ठीक है। और वोमेन को कितना दे रखा है, वोमेन को दे रखा है 1900 और ये 45, 1945। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन छोटा बच्चा भाई, चाइल्ड, तो इसको 1800 और 33, 1800 और 33। तो अब ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, ये है 2x3 की, और ये कितने बाय कितने की है, 3x2 की, ठीक है। तो ये दोनों तो सेम ही हो गए ना, और आंसर आएगा 2x2, ठीक है। अब कोई बच्चे ये मत बोलना सर उसको 3x2 है, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं, ये दोनों तो सेम है, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अरे कैसे मल्टीप्लाई करोगे भाई, ऐसे तो करेंगे मैन की मैन से, वो मैन की वो मैन से, चिल्ड्रन की चिल्ड्रन से, वो तो फिर गलत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा सारे का सारा। तो देखिए, तो बस मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, तो मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई ये किसका आ जाएगा, ए फैमिली और बी फैमिली आ जाएगा, ए फैमिली और बी फैमिली, ए फैमिली और बी फैमिली का क्या आ जाएगा, कैलरीज और प्रोटीन आ जाएगा, ठीक है। अभी ए फैमिली को कितना कैलरी कितना प्रोटीन, बी को कितना कैलरी कितना प्रोटीन, ये आ जाएगा। तो करना क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, तो 4 × 2400 9600, 6 × 1900 19 × 6 करना भाई, के तो कितना बना, कितना बना ये बताओ बताओ फटाफट। तो 1900 × 6 ये बन गया कितना, 11400 हो गया, 95 और 19, ठीक है। और 2 × 1800 ये आ गया 3600। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई प्रोटीन वाला कर दो भाई, 55 × 4 = 20 6 × 45 40 240 और 30 270, और 2 × 33 66। आपके पास तो कैलकुलेटर होगा, करो भाई फटाफट, इनकी मल्टीप्लाई 4800 3800 7200, नेक्स्ट 110 90 और 132, फटाफट ऐड कर दीजिए अब। तो फटाफट ऐड, बुक पे तो मेरे को भरोसा नहीं है, पता नहीं क्या गलत दे रखा हो, टोटल कर लो भाई। तो इनका टोटल कर लो कितना आ जाएगा, तो ये तो 11 × 3 = 14 15 2400 हो गया, ये तो देखते हैं बुक के अंदर, बुक के अंदर 2400 ठीक दे रखा है भाई। उसके बाद ये आ जाएगा 5566 आएगा, बस टोटल करना है। तो 7212 15800 आ गया ये तो, ठीक है। कैलकुलेटर आपके पास, फटाफट कर लीजिए,
एक आ गया 3-3-2, इनका कर दिया 3-3-2, तो ये बस आंसर आ गया ए और बी का, ये कैलोरीज और ये प्रोटीन। ठीक है, बस हो गया। इसी तरीके से करने हमको क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, ये चार एग्जाम्पल थे आपके 9, 10, 11, 12, तो 9, 10 और 11 मैंने करा दिया, 12 आप लोगों के लिए छोड़ दूँ क्या? कर लोगे 12? हाँ जी 12 आप ट्राई करना और आगे देखते हैं। देखो अभी इसमें आप लोग भी ट्राई करो, देखो आगे क्या है। तो आगे तो डिटर्मिनेंट स्टार्ट हो गया, डिटर्मिनेंट हमने सारस डायग्राम से तो किया ही था, बताया था सारस डायग्राम से कैसे निकालते हैं। तो ये जो है ये वाला भी अभी कवरअप करना है सारे का सारा, तो ये वाला तो चलो बताता हूँ। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी स्टार्ट होगी, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैंने बताई दिया, सिमेट्रिक बताई दिया, सिमेट्रिक तो इसमें दे भी नहीं रखा शायद इतना, और इन्वर्स हो गया, और उसके बाद तो क्या है, उसके बाद तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ही दे रखा है। चलो देखिए, तो डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट के बारे में देखो बताता हूँ अभी मैं। तो डिटर्मिनेंट जो आपने किया था, हमने कौन सा मेथड किया था? सारस डायग्राम किया था। सारस डायग्राम में क्या होता है कि जो भी मैट्रिक्स है उसको 2x2 में तो कुछ भी नहीं था, 3x3 में पहली दो कॉलम जो है वो रिपीट कर दो, मल्टीप्लाई ऐड और फिर माइनस, ये था बस उसके अंदर। तो अभी देखते हैं हम कौन से मेथड से, जो आपका एक्सपेंड मेथड बोलते हैं इसको, एक्सपेंड कर देना उसको। तो 2x2 तो वही है, 2x2 में तो कोई चक्कर ही नहीं है। जैसे कि 2, 3, 4, 5, तो 2x2 का तो सिंपली था, लो जी 10 माइनस में 12 माइनस 2 आ गया, बस 2x2 का तो कुछ है ही नहीं, 4x4 का आता नहीं, बचा 3x3 का। तो मैं कुछ एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, ठीक है। अब 3x3 में भी कोई ये थोड़ी आएगा भी मेथड बताओ, मेथड तो नहीं आएगा ना। तो जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको, कितने ऑर्डर की? 3x3 ऑर्डर की दे रखी है, 3x3 ऑर्डर की आपको दे रखी है। तो अगर मैं एलिमेंट लिखूँ तो क्या बनेगा? a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, ठीक है ना, ये बने। अब जो सारस डायग्राम करा था उससे नहीं कर रहे हम लोग, जो बेसिक मेथड होता है इसका एक्सपेंड मेथड वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो जो डिटर्मिनेंट होता है वो होता है a11 मतलब कितनी रो कितनी कॉलम है बताओ इसके अंदर? सर 3x3 है ना, तो 3 तो रो है और 3 ही कॉलम है, 3 रो है और 3 ही कॉलम है, यानी कि 6 चीजें होगी ना, 3 रो 3 कॉलम। तो आप किसी से भी ले लो, कोई भी रो ले लो, कोई भी कॉलम ले लो, आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं इस रो के साथ लेता हूँ, तो a11 a12 a13, तो यहाँ पे कैपिटल a11 कैपिटल a12 कैपिटल a13 और बीच में प्लस। सर ये तो हमको पता है क्या है, ये तो क्या एलिमेंट ही तो है। सर ये और बता दो, पता तो ये भी आपको, तो ये क्या होते हैं? aij मैंने क्या बोला था, कोफैक्टर को डिनोट करते हैं इसे। तो क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? क्रोस्पोंडिंग कोफैक्टर के साथ, देन उनको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? डिटर्मिनेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट। कोई भी रो ले सकते हो, मान लीजिए अगर आपने सेकेंड रो ली, 3 रो 3 कॉलम, तो कोई भी रो ले सकते हो, कोई भी कॉलम ले सकते हो। तो जैसे कि a21 a22 a22, ठीक है, a23 और a23, तो कोई भी रो ले लो, कोई भी कॉलम ले लो। मान लीजिए हम ये कॉलम लेते हैं, कोई बात नहीं, ये वाला ले लो a12 a12 a22 a22 a33 a32 एंड a32, तो कोई भी ले लो, आंसर जो आपका वो सेम ही आएगा डिटर्मिनेंट का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी दे रखा है एक, ठीक है, और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इस तरीके से आपको मैंने बता दिया ये चीज़ ऐसे करनी होती है। तो अब कुछ प्रॉपर्टी बताता हूँ डिटर्मिनेंट की, क्वेश्चन भी करा देता हूँ इस तरीके का, देखो ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, मैट्रिक्स तो सबसे ईजी है। तो अब देखिए, तो अभी क्या देखने वाली बात है, क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। तो लो जी ए मैट्रिक्स दे रखी है और उसका डिटर्मिनेंट बताना है, तो ये ले लो आप 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, वैसे आंसर इसका 0 आएगा। सर आपको कैसे पता आंसर इसका 0 आएगा? अभी प्रॉपर्टीज बताऊंगा ना काफ़ी सारी, तो उसमें पता चल जाएगा आपको अभी भी 0 आएगा।
तो देखो अभी तो जीरो नहीं है ना, अभी तो निकालेंगे तब जीरो आएगा, जीरो नहीं है अभी। तो ये क्वेश्चन है, अपने को क्या बताना है, डिटरमिनेंट। तो एक बार सारा सवाल ऐसे करके दिखा देता हूँ, फिर इसे करके दिखा देता हूँ। सर एग्जाम में किसे करेंगे? बेटा आपकी जहां से मर्जी हो वो कर लेना, अपने को तो आंसर से मतलब है, कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने किस तरीके से सोल्व किया। तो लो जी, 1 2 3 2 3 4 3 4 5, और इतना मैट्रिक्स नहीं आएगा जो प्लस टू के अंदर था। कभी सोचो सर प्रॉपर्टी लगेगी, रो ऑपरेशन वाली लगेगी, जिनके पास मैथ था इतना टेक्निकल नहीं आएगा, इजी आएगा खुद। 1 2 3 2 3 4 लिख दिया ये। हाँ जी बेटा, इनकी मल्टीप्लाई करनी है 15, इनकी मल्टीप्लाई करनी है 24, इनकी मल्टीप्लाई करनी है 24, माइनस में ये 27, माइनस में ये 16, माइनस में ये कितना हो गया 70। तो बस इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा आंसर, तो जीरो ही आएगा, पहले बता दिया था। 24 24 48 और 15 63 43, ये भी 63, आंसर इज जी। सर ये तो सारस डायग्राम हो गया, ये तो हमने कर भी लिया था पहले। अब जो ऑपरेशन वाला मेथड वो है अपना, एक्सपेंड मेथड है, वो बता दे। तो देखो एक्सपेंड मेथड के अंदर क्या करेंगे, तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि कौन सी रो या कौन सी कॉलम लेना चाहोगे। तीन रो है, तीन कॉलम है, छह चीजें हैं, तो कोई भी ले लो जो आपका मन करे, ठीक है। तो एक बार पहले वाले ले लेते हैं, आप कोई भी ट्राई करके देखना, ये क्वेश्चन के छह तरीके हो गए करने के, आंसर सेम आएगा। तो 1 2 3 तो देखो ले लिया, 1 2 3 तो ले लिया सर। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो टाइम लगेगा। अच्छा चलो ये बताओ, कोफैक्टर निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? माइनर। माइनर माइनर निकाल लिया। माइनर और कोफैक्टर में क्या फर्क है? सर प्लस और माइनस का फर्क है, और आपने बताया भी था कि प्लस माइनस कहाँ आएगा। चलो दोबारा फिर रिपीट कर दूंगा, लेकिन पहले माइनर तो निकाल लो। वन का माइनर, लो जी वन का माइनर क्या आएगा, वन का माइनर ये चला गया, ये चला गया सर, 5 3 15 में से 16 गया माइनस एक। ये आता है ना भाई, जिस एलिमेंट का हमको माइनर चाहिए वो रो एंड कॉलम छोड़ दो, जो बच गया उसका डिटरमिनेंट। तो 5 3 15 में से 16 गया माइनस वन, बीच में तो प्लस का है ही सिंबल, हमने क्या लिखा था a11 a11, ठीक है। फिर a12 a12, a13 a13। सर बट यहाँ तो कोफैक्टर लिखना है ना, आपने लिखा है माइनर, कोई बात नहीं अभी मैं कोफैक्टर डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या डाल रहा है? माइनर, ठीक है। और माइनर कोफैक्टर के अंदर क्या फर्क होता है, जैसे कि मान लो जो भी माइनर है उसके अंदर सिंबल लगा दो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये वाले हो जाते हैं कोफैक्टर हो जाता है, यानी कि ये वाला तो प्लस होता है तो कोई चेंज नहीं करना, ये वाला माइनस हो जाता है। मतलब कि अगर हम ये वाला ले रहे हैं ना, तो इसको ये बोल सकते हैं a11 m11 माइनस a12 m12 a13 m13। अब ये माइनर से निकल गया, क्योंकि देखो ये माइनर और ये कोफैक्टर तो सेम ही है, ये माइनर ये कोफैक्टर में माइनस का फर्क होता है, क्योंकि ये बीच वाली टर्म आ गई ना, माइनस वन की पावर बन जाएगी ये 1 प्लस 2, तो माइनस वन की पावर 3 बेटा माइनस वन होता है, ठीक है ना। माइनर और कोफैक्टर में क्या फर्क होता है, एक बच्चे ने पूछा भी था लेक्चर के अंदर, मैंने बकायदा बता भी रखा है, थोड़ा सा ध्यान से सुना करो, टेक्निकल चीजें निकल जाती है बीच बीच में। माइनस वन की पावर i प्लस j, आपको पता ही है क्या क्या होता है, अगर करके देखोगे ये बनेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो इसमें और इसमें माइनस का फर्क होता है, इसमें इसमें कोई फर्क नहीं होता, इसलिए सेम ही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो 1 2 3 ले लिख लिया, 1 2 3 लिखने के बाद क्या करा, तो 1 लिया, 1 का माइनर ले लिया 2, अब 2 को छोड़ दो, ये चला गया ये चला गया, 5 2 10 में से गया 12, 10 में से 12 गया बताओ कितना होता है, 10 में से 12 गया सर होता है -2, लेकिन ये माइनस का लेना है हमको, क्यों, क्योंकि पीच वाली जो टर्म है वो माइनस की हमको लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोफैक्टर लेना है, -2 तो माइनर आया है, कोफैक्टर लेना तो माइनस लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। उसके बाद 3, ये लाइन चली गई ये चली गई, तो 3 में से 4 गया -1, ठीक है। तो सर ये -1 आ गया, ये प्लस का 4 आ गया, माइनस का 3 आ गया, आंसर 0 आ गया। तो सर हम तो सारस वाले से कर लेंगे, वो भी आसान लगेगा हमको, तो बिल्कुल कर सकते हो भाई, मैंने कब बोला कि ये वाला मेथड यूज करना है, ठीक है। तो मेथड तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, आंसर आपका ये जैसे 0 है तो 0 आएगा। तो मेथड मैंने बता दिया, कुछ क्वेश्चन ट्राई करके देखना, कोई डाउट आए तो फिर पूछ लेना, फिर करा देंगे, क्या दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो ये अपना डिटरमिनेंट हो गया, अब इसकी प्रॉपर्टी करेंगे हम।
हाँ जी बच्चों, कुछ प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, प्रॉपर्टी डायरेक्टली भी पूछ लेगा एग्जाम में या उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी, ये मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट हमको निकालना है, इसका डिटरमिनेंट हमको निकालना है। तो पहली प्रॉपर्टी सुन लो ध्यान से, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम हो जाए, जैसे कि देखो इसमें दो कॉलम सेम है तो आंसर जीरो आएगा। सोल्व करके देख लो, डिटरमिनेंट निकाल लो, सारस डायग्राम से निकाल लो, चेकस्पेंड मेथड से निकाल लो, आंसर जीरो आएगा। क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, कभी भी दो रो या दो कॉलम सेम हो तो आंसर जीरो आता है। क्लियर, पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम जीरो हो जाए, कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम जीरो हो जाए तो आंसर जीरो आता है। क्लियर, कोई भी एक रो कोई भी एक कॉलम जीरो हो जाए तो आंसर जीरो आता है। तीसरी प्रॉपर्टी, ये मैट्रिक्स है और ये डिटरमिनेंट है। जैसे कि हमने एक स्केलर समझते हो, कॉन्स्टेंट 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, अगर इसकी मल्टीप्लाई मैट्रिक्स से करेंगे ना तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं सारे के सारे, भाई 2, 4, 6, 4, 6, 8, 6, 8, 10 सारे के सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन जब डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं सारे के सारे मल्टीप्लाई नहीं होते, चाहे तो एक रो कर लो चाहे एक कॉलम कर लो। कौन सी रो करे कौन सी कॉलम करे आपकी मर्जी, कोई भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो इसको करा तो 2, 4, 6, 2, 3, 4, 3, 4, 5। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल के 2 से गुना करना, 2 से मल्टीप्लाई करना और इसका डिटरमिनेंट निकालना, बात बराबर आएगी। ठीक है, तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मैट्रिक्स में करते हैं तो करते हैं, डिटरमिनेंट में हम ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर, कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, ए का ट्रांसपोज उसका डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट बराबर आएगा। मतलब कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखो ये रो थी, ये कॉलम बना दी, रो थी कॉलम बना दी। कहने का मतलब ट्रांसपोज कर दिया ना, ट्रांसपोज करने से डिटरमिनेंट पे कोई भी असर नहीं पड़ता। इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लेना, सेम आएगा। ठीक है, रो को कॉलम में चेंज करने से डिटरमिनेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी ध्यान से देखना। उसके बाद अगर हम कोई भी रो या कोई भी कॉलम आपस में प्लस या माइनस कर दी, जैसे कि मान लीजिए इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये लिख लिया 3, ये कितना लिख लिया 5, ये कितना लिख लिया 7, और ये 2, 3, 3, 4, 4, 5। डिटरमिनेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि किसी भी रो को आपस में अलग से नहीं, किन्हीं भी रो को या किन्हीं भी कॉलम को, रो को रो में, कॉलम को कॉलम में प्लस या माइनस क्या कर दे, प्लस या माइनस कर देंगे तो भी डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, प्लस करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा माइनस कर लो, मतलब कि अगर इसमें से ये माइनस कर लो कोई बात नहीं, लो माइनस करो तो -1, ये हो गया -1 और ये भी -1, आगे सेम चलने दो तो इसका डिटरमिनेंट भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। तो अभी इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा रो को आपस में प्लस या माइनस करते हैं तो। उसके बाद अगर हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब क्या इंटरचेंज का, जैसे कि इसको ले आए 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 5। ठीक है, मतलब इनको क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। अगर कभी भी दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो आगे माइनस आ जाता है, आगे क्या आ जाता है, माइनस, क्योंकि इन दोनों को क्या कर दिया, चेंज। दो बार चेंज कर दे, मतलब कि जैसे कि 2, 3, 4 इधर आ गया, 3, 4, 5 इधर आ गया, 1, 2, 3 आगे ले जाओ। अब एक माइनस और आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब कि एक बार चेंज करोगे तो माइनस आएगा, दो बार चेंज करोगे तो कुछ नहीं आएगा, वैसे का वैसे हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी देखी हमने, क्या क्या प्रॉपर्टी देखी, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम है तो आंसर जीरो, एक रो या एक कॉलम अगर जीरो है तो सारा आंसर जीरो, ट्रांसपोज करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रो या एक कॉलम मल्टीप्लाई होगी। अच्छा, प्लस या माइनस करने से आपस में कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या देखा, एक बार चेंज करोगे तो माइनस आ जाएगा, दो बार चेंज करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने सारी की सारी डिटरमिनेंट की कर ली, एग्जाम के अंदर आ सकती है, क्वेश्चनों के भी अंदर आ सकते हैं, तो ध्यान देना इसके ऊपर। ठीक है ना, हाँ जी बच्चों, ये करने के बाद हमने जो कुछ क्वेश्चन थे एग्जाम्पल वो कर लिए।
ठीक है। उसके बाद अभी जो हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी देखी ये कर ली, यहाँ पे वैसे तो आपका मोस्टली चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, बहुत छोटा चैप्टर दे रखा है। अभी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन अभी कर रहे हैं कवर अप, और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के अलावा और कुछ भी नहीं बचा आपके चैप्टर के अंदर। लेकिन कुछ एक चीज़ें मैं बता देता हूँ, ठीक है, दे तो नहीं रखी स्टडी मटेरियल के अंदर, लेकिन बाय चांस कहीं पूछ ले तो थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक वगैरह है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अगर हम वो टेक्निकल एग्जाम की बात करें ना, फिर तो बहुत सारा होता है उसके अंदर, इतना नहीं है हमारे सिलेबस के अंदर। तो क्या क्या चीज़ें होती है देखो, तो कुछ प्रॉपर्टी है जैसे ए बी का डिटर्मिनेट, ए बी का डिटर्मिनेट होता है ए का डिटर्मिनेट और बी का डिटर्मिनेट। जैसे कि कभी आपको ए और बी, ए मैट्रिक्स दे दी, मान लीजिए ए मैट्रिक्स दे दी, लो जी ए मैट्रिक्स दे दी, बी मैट्रिक्स दे दी, लो जी बी मैट्रिक्स दे दी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके फिर डिटर्मिनेट करेंगे, टाइम लग सकता है। या हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, ए का डिटर्मिनेट कर दो और बी का डिटर्मिनेट कर दो, ठीक है। कैसे देखो मैं करके बता देता हूँ, जैसे 1 2 3 4, 2 3 4 7, दो मैट्रिक्स दे दिया और आपसे पूछ लिया बेटा बताओ ए बी का डिटर्मिनेट बताओ, इसका डिटर्मिनेट ए बी का डिटर्मिनेट बताओ, तो पहले तो ए और बी का मल्टीप्लाई करो, लो 1 2 3 4 और उसके बाद 2 3 4 7, तो इसकी मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 + 8 10, ये हो गया 3 + 14 17, ये हो गया 6 और 16 22, ये हो गया 9 और 28 37, ये हो गया ना, ये क्या आ गया ए बी। और आपसे बेटा ए बी का डिटरमिनेंट पूछेगा, तो ए बी का डिटरमिनेंट अगर हम करेंगे, लो जी ए बी का डिटरमिनेंट अगर हम करेंगे तो 370 इसका मल्टीप्लाई माइनस में 22 × 17, तो 22 × 17 देख लो कितना बना, 34 और 34 374, तो कितना आंसर आ गया माइनस का 4, लेंथ ही पड़ गया है तो बहुत ज़्यादा। तो दूसरा तरीका क्या था, इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया -2, इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया 2, आंसर कितना आ गया -4। बोलो ये वाला आसान है कि ये वाला आसान है, सर ये वाला आसान है, बिल्कुल आसान है। कब होगा, जब प्रॉपर्टी पता होगी, वैसे तो प्रॉपर्टी होती है ये, लेकिन अपने सिलेबस में प्लस वन प्लस टू में भी आपने किसी ने नहीं पढ़ी होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आती है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखनी है चीज़ें, तो बस ये नोट कर लीजिए कि ए बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, ए का डिटर्मिनेंट एंड बी का डिटर्मिनेंट। तो अगर इस तरीके से चलोगे तो बहुत सारी ट्रिक है, हजारों लाखों ट्रिक हो जाएगी, ऐसे तो सारा पूरा मैथ करोगे तो हम उतना ही करेंगे ना जितना सिलेबस के अंदर है। तो ये नोट करो, सारी मैं बता क्लियर भी कराता जाऊंगा, एग्जाम्पल देता जाऊंगा एक एक, ठीक है। बाय चांस कहीं आ जाए क्वेश्चन तो दो चार बातें लिखने में कुछ नहीं जाता अपना, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद ए के इनवर्स का डिटर्मिनेंट, अरे बाप रे, मान लो कोई मैट्रिक्स दे दी, मैट्रिक्स दे दी, पहले तो आप निकालोगे उसका इनवर्स, हाँ जी सर उसका इनवर्स निकालेंगे, फिर उसका करोगे डिटर्मिनेंट, बहुत टाइम लगेगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/a का डिटर्मिनेंट, क्या लिख सकते हैं 1/a का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। सर ये भी प्रूफ कर दो, प्रूफ तो सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कि ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स, सर पहले माइनर निकालो, कोफैक्टर निकालो, ट्रांसपोज निकालो, एडजॉइंट निकालो, डिवाइड करो डिटर्मिनेंट से, फिर इनवर्स आएगा, बिल्कुल। लेकिन इसकी ट्रिक भी बता रखी है मैंने, तो इसकी ट्रिक क्या होगी, डिटर्मिनेंट आ गया -2, उसे डिवाइड कर दिया, इनको चेंज कर दो और इनका साइन चेंज कर दो, लो सर ये इनवर्स आ गया। ऐसे इनवर्स निकालना आपके बुक में भी दे रखे एक दो क्वेश्चन, फटाफट देख के कर देना इसको। सर अब इसका करना है डिटर्मिनेंट, ओहो इसका डिटर्मिनेंट करना है तो गड़बड़ वाली बात होगी, कोई नहीं करेंगे भाई इसका डिटर्मिनेंट। तो एक प्रॉपर्टी और लगेगी इसके ऊपर, क्या कि के ए का डिटर्मिनेंट होता है के की पावर एन और ए का डिटर्मिनेंट, एन इज ऑर्डर, एन क्या है ऑर्डर है, तो के तो क्या हो गया, तो के की वैल्यू आ गई ना, तो -1 की पावर होगी 2, क्यों होगी, के की पावर एन, एन क्या है 2/2, तो एन हो गया 2, और फिर करना पड़ेगा ए का, मतलब इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये कितना आ गया 4 और ये कितना हो गया -6, तो ये आ गया 1/4 और ये कितना आ गया -2, तो ये काट के कितना आ गया -1/2, तो देखो कितना टाइम लगा, सर ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। कैसे लग गया बहुत ज़्यादा टाइम, पहले तो देखो इनवर्स निकाला, ये तो चलो अपने को ट्रिक पता थी, अपने क्लास लगाई थी,
ट्रिक निकाल इन्वर्स निकाल लिया, उसके बाद फिर डिटर्मिनेट करा, फिर ये प्रॉपर्टी लगाई। सर बहुत मुश्किल हो गया ये तो बहुत मुश्किल हो गया, तो कोई बात नहीं आप आसान करेंगे। तो आसान मैंने बताया यहाँ पे क्या 1 2 3 4 इसका क्या करना है, ए है ये तो इसका इन्वर्स का डिटर्मिनेट, तो हम क्या कर रहे हैं 1 अपॉन में इसका डिटर्मिनेट, तो -2 आंसर आ गया बस। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी भी याद रखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टी है ये, आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना है इनको। उसके बाद फोर्थ पे है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ये कैसे निकलेगा। सर कोई मैट्रिक्स दे रखी होगी, हम पहले उसका एडजॉइंट निकाल लेंगे फिर उसका डिटर्मिनेंट करेंगे। अरे नहीं भाई, जब तक हम, मैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई। तो ये हो जाएगा ए के डिटर्मिनेंट की पावर एन माइनस वन, ठीक है, शॉर्टकट है बिल्कुल, डायरेक्ट आंसर आएगा, देखते ही आंसर कर दोगे। कैसे, जैसे ए दे रखा है 1 2 3 4 दे रखा है, तो सर पहले इसका माइनर निकाले, कोफैक्टर निकाले, फिर ट्रांसपोज करें, एडजॉइंट आएगा, फिर उसका डिटर्मिनेंट करेंगे। अरे नहीं भाई नहीं, 4 में से 6 गया -2, एन एन कितना है 2/2 है, तो 2 में से गया 1, तो -2 की पावर 1 कितना आ गया -2, ये डायरेक्ट क्या आ गया एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट आ गया। तो लिख लेना प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया तरीके से वाली प्रॉपर्टी है, शॉर्टकट है सारे के सारे, ठीक है ना। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट आप ज़्यादा नहीं कीजिए क्योंकि ज़्यादा तो नहीं आएगा, जो आपके आ सकता है वो बता रहा हूँ। तो ये 4 जो है आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसके बाद फिर ज़्यादा एडवांस लेवल की चली जाती है वो, तो अपने सिलेबस में उतनी कवर अप नहीं होती, बट ये 4 मेरे को लगता है कि आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो ये 4 नोट कर लो, 4 मैंने समझा भी दिया, प्रूफ भी कर दिया किस तरीके से आएगा। जिन बच्चों के पास मैथ नहीं था वो घबरा रहे होंगे कि ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, आप बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले तो घबराना बंद करो, घबराना बंद करते समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आ फ़ोन कर लो बच्चे, ठीक है, फ़ोन करने से क्या होता है कि 2-4 चीज़ें जिस तरीके से आप देख रहे हो क्वेश्चनों को, देखने का तरीका थोड़ा सा नज़रिया चेंज कर लो, ठीक है। नज़रिया कैसे चेंज होगा बात कर लो, आप बात करने से मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। अपने होते आप घबराओगे तो फ़ायदा क्या हुआ फिर, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना, तो अभी मोस्टली सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, और जो आपका वो है ना क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज के अंदर, वो तो सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के हैं, 2-4 क्वेश्चन और भी कराऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट है जो, बस उसमें क्या कि एक आधे क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकती है, तो आप चेक कर लेना ग्रुप के अंदर, अगर सभी का एक आंसर आ रहा है तो फिर क्वेश्चन में मिस्टेक है, फिर भी कोई दिक्कत है तो भेज देना, मैं चेक कर लूंगा एक बार। तो अब करने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, बहुत ही बढ़िया मस्त कंसेप्ट है, देखना आप आगे। हाँ जी बच्चों, अब हम कर रहे हैं सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, इसके अंदर 2/2 और 3/3 की इक्वेशन होती है, तो पहले 2/2 का कर रहे हैं फिर 3/3 का, तो ये हम कर रहे हैं 2/2 के लिए। तो 2/2 में किस तरीके की इक्वेशन होगी, जैसे कि a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ऐसे दो इक्वेशन होगी, ठीक है। सर यहाँ पे मैट्रिक्स कहाँ आ गया, मैट्रिक्स है यहाँ पे, किस तरीके से मैट्रिक्स है, क्योंकि हम इनको क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं a1 a2 b1 b2 मल्टीप्लाई एक्स वाई, और इसको लिख सकते हैं c1 c2, ठीक है ना। इक्वेशन भी मैट्रिक्स के तरीके से ही बनती है, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्लियर। तो ये जो इक्वेशन है इसके सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा फ्रॉम द फॉर्मूला यूजिंग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को यूज करके। तो इसको पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ये है कंसिस्टेंट और ये है इनकंसिस्टेंट। मतलब क्या है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का, जो कंसिस्टेंट है उसका जो मतलब है आपका, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि उस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, हैविंग सॉल्यूशन, कि वो जो इक्वेशन है उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसको क्या बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अब जब कंसिस्टेंट है और सॉल्यूशन है, तो इसके फिर 2 पार्ट करेंगे, ठीक है। पहला यूनिक सॉल्यूशन, और सेकंड
मैनी सॉल्यूशन, यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन, मैनी मतलब बहुत सारे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो कैसे पता चलेगा कि यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है? तो इक्वेशन आपको दे रखी है, जब ए वन बाय ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू दे रखा है। क्या है? ए वन बाय ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू दे रखा है, तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा यूनिक? तो आपको इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन के अंदर हम क्या कर लेंगे, ए वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू, अगर ये इक्वल नहीं है तो आंसर आ गया आपका यूनिक सॉल्यूशन। बस आपको कंडीशन याद रखनी है इतनी सी। और अगर ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू और इक्वल टू सी वन बाय सी टू, अगर ये सारे इक्वल है, अगर ये सारे इक्वल है तो फिर क्या बनेगा, मैनी सॉल्यूशन बनेगा, अगर सबकी रेशियो इक्वल है तो। उसके बाद ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू, अगर ऐसा केस आ गया तो क्या बनेगा, नो सॉल्यूशन। तो देख तो लोगे ना, देखने में तो दिक्कत नहीं आएगी, सर कैसे देख लेंगे, ए वन ये रहा, ए टू ये रहा, बी वन ये रहा, बी टू ये रहा, सी वन ये रहा, सी टू ये रहा, सर एक एक एग्जाम्पल दे दो, बहुत आसानी हो जाएगी हमको। बिल्कुल दे देते हैं भाई। तो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल, तो एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, और ये ले लो टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये दो इक्वेशन हो गए, होगी दो इक्वेशन, दो इक्वेशन होगी। तो ए वन बाई टू क्या आया, वन बाय टू, और बी वन बाई बी टू क्या आया, टू बाय थ्री। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर बता दो फटाफट, क्या आ गया सर, यूनिक सॉल्यूशन आ गया सर, कंसिस्टेंट आ गया। बहुत जल्दी समझ गए आप लोग, तो बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सर इसका एग्जाम्पल बता दो फटाफट, रोज इसका एग्जाम्पल देख लो, एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस टेन इक्वल टू जीरो। तो इसके अंदर इसका एग्जाम्पल नोट कर लेना, ये बहुत जरूरी बात है, बुक के अंदर इतना डीपली नहीं दे रखा, बस थोड़ा सा ही दे रखा है। तो ए वन बाय ए टू वन बाय टू, बी वन बाय बी टू टू बाय फोर, और सी वन बाय सी टू फाइव बाय टेन, ये सारे सेम ही है, ये भी वन बाय टू, ये भी वन बाय टू, ये भी वन बाय टू, सारे सेम ही है, सारे सेम है, तो क्या आएगा, मैनी सॉल्यूशन। सर इसका एग्जाम्पल दे दो एक, लो जी इसका एग्जाम्पल ले लो, एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, और टू एक्स प्लस फोर वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। तो वन बाय टू टू बाय फोर ये तो सेम हो गया, और नॉट इक्वल टू फाइव बाय सेवन, तो इसका क्या आ गया, नो सॉल्यूशन आ गया। अब देखो मैंने एक चीज बताई, उसमें से तीन चीजें निकली और तीनों का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या, हो सकता है कैसे ज्यादा कुछ, यानी कि तीन क्वेश्चन आपने कर लिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन आ गया तो मैनी सॉल्यूशन, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट, सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, बस इतनी सी बात याद रखनी है। अच्छा अगर मैं थोड़ा सा और अगर समझाना चाहूँ आपको, तो ये दो लाइनें हैं, दो लाइनें हैं, कौन सी है, स्ट्रेट लाइन है, दो लाइनें कौन सी है, स्ट्रेट लाइन। और अगर मैं ये सारा अपने नोट तो कर ही लिया, थोड़ा सा और मैं अगर गहराई में जाना चाहूँ इसके, तो जब भी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन। जब ये कोइंसिडेंट होगी, एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही, सर दिख तो नहीं रही, एक के ऊपर दूसरी लाइन, इसको बोलते हैं क्या, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट तो ये है, कोइंसिडेंट बोलते हैं इसको, लाइनें क्या है, कोइंसिडेंट है, ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और दो लाइनें पैरेलल है, दो लाइनें क्या है, पैरेलल, तो इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं, दो लाइनें आपस में कट ही नहीं करी, ये कटे जा रही है, कटे जा रही है, कटे जा रही है, बहुत जगह कट रही है, ये एक जगह कट रही है, तो एक जगह कट रही है यूनिक सोल्यूशन, बहुत सारी जगह कट रही है मैनी सोल्यूशन, और नहीं कट रही तो पैरेलल। तो बस यूनिक सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, कंडीशन मैंने आपको पहले बताई थी। वैसे दो फॉर्मूले होते हैं ये चीज जो पता करने के, ये फॉर्मूला तो अलग है, ये तो मैंने वैसे आपको नॉलेज के लिए बताया, दो फॉर्मूले होते हैं क्रैमर रूल, कौन सा, क्रैमर रूल एंड और बताओ कौन सा, एक मैट्रिक्स मेथड, तो मैट्रिक्स मेथड नहीं आपके सिलेबस में, तो क्रैमर रूल ही है। तो ये तो टू बाय टू का तो सिंपली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब बात आती है थ्री बाय थ्री की, वो थोड़ा सा लेंथी बनेगा, तो ये तो बहुत आसान बनेगा, ठीक है ना, ये वाला तो बहुत ही ईजी बनेगा। तो
तो देखिए किस तरीके से करेंगे, अब 3/3 का, 2/2 का तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक दो क्वेश्चन जो बुक के अंदर दे रखे हैं वो सोल्व कर लेना। अब करते हैं 3/3 का। हाँ जी हाँ जी बच्चों, देखिए ये थोड़ा सा पहले मैंने लिख लिया, क्या है इक्वेशन दे रखी है, a1x b1y c1z = d1, a2x b2y c2z = d2, a3x b3y c3z = d3, ये दे रखा है आपको। तो ये हो गया 3/3 की इक्वेशन हो गई। तो जो 3/3 की इक्वेशन हुई है इसके अंदर भाई कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, यूनिक, मैनी और नो सॉल्यूशन, लेकिन देखेंगे किसके ऊपर, क्योंकि ये वेरिएबल देखना तो बहुत ज्यादा लेंथी पड़ेगा। तो पहले हम निकालेंगे डेल्टा। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा होगा एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, यानी कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, इनका डिटरमिनेंट क्या आएगा? डेल्टा आएगा। इनका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? डेल्टा। डेल्टा क्या है, क्या करेंगे डेल्टा निकालने के, अभी देखेंगे डेल्टा निकालने के बाद क्या करते हैं। डेल्टा आ गया। अब डेल्टा वन क्या होएगा, जो d1 d2 d3 है ना वो पहली कॉलम की जगह चेंज कर दो, d1 d2 d3, बाकी सेम b1 b2 b3 और c1 c2 c3 बाकी सेम। ये क्या हो गया बेटा? डेल्टा वन हो गया। डेल्टा टू, तो जो d1 d2 d3 है ये सेकंड कॉलम की जगह चेंज कर दो, तो पहली कॉलम तो वैसे की वैसे, दूसरी कॉलम d1 d2 d3, थर्ड कॉलम फिर वही वैसे के वैसे। तो ये हो गया बच्चा डेल्टा टू। डेल्टा थ्री, थर्ड कॉलम की जगह चेंज कर दो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3 लोच, ठीक है। तो ये आपका आ गया डेल्टा, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री। कैसे आया? डेल्टा इज द कोफिशिएंट, कॉन्स्टेंट चेंज विद कॉलम वन इज डेल्टा वन, विद कॉलम टू डेल्टा टू, विद कॉलम थ्री डेल्टा थ्री। तो अब क्या देखना है, वही देखना है, क्या देखना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इसमें सबसे पहले वही देखेंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखें। तो कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट इस किस तरीके से लिखेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा अलग कर लेते हैं हम, पहले डेल्टा चेक कर लेते हैं। डेल्टा, तो अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है, और डेल्टा अगर जीरो, डेल्टा निकालेंगे ना, जो डेल्टा की वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, डेल्टा अगर क्या है आपका नॉट इक्वल टू जीरो, और डेल्टा क्या है आपका जीरो, तो दो अलग अलग बातें हो जाएगी। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो आंसर आ गया यूनिक सॉल्यूशन। क्या आ गया? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो एक्स वाई और जेड की आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सर वैल्यू तो जो पिछला क्वेश्चन था उसमें भी तो निकालनी थी, तो उसमें भी निकल जाएगी, कोई बात नहीं। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आएगी डेल्टा वन बाय डेल्टा, वाई क्या आएगी डेल्टा टू बाय डेल्टा, और जेड क्या आएगी डेल्टा थ्री बाय डेल्टा। डेल्टा आपको बताई दिया क्या है, ये है डेल्टा। सर कितना लेंथी क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, इक्वेशन दे रखी होगी, फिर ये कोफिशिएंट लिखेंगे, इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे, फिर ऐसे पता करेंगे, नहीं कभी भी इतना लेंथी क्वेश्चन ही आएगा। क्या आएगा, आपसे पूछ लेगा यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो बस डेल्टा निकाल लो। डेल्टा निकालना तो कोई मुश्किल नहीं है, डिटरमिनेंट निकालना है। आपसे पूछ लेगा एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, डेल्टा वन बाय डेल्टा, वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी, डेल्टा टू बाय डेल्टा, जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी, डेल्टा थ्री बाय डेल्टा, इस तरीके से। अब डेल्टा हो गया जीरो, डेल्टा क्या हो गया, जीरो, डेल्टा जीरो हो गया और बाकी सारे भी जीरो हो गए भाई, डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, ये भी जीरो हो गए, तो फिर ये आ जाएगा मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन ये दोनों क्या है बेटा, कंसिस्टेंट है, ये दोनों क्या है, कंसिस्टेंट। और डेल्टा जीरो और डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं आए, फिर नो सॉल्यूशन,
इस बात का आपको याद रखना, ये कंडीशन याद रखनी है, एग्जाम के अंदर कंडीशन ही पूछता है, एग्जाम के अंदर कंडीशन ही पूछेगा, बस इसके क्वेश्चन कराने हैं अभी मैंने आपको, तो बस ये कंडीशन याद रखना। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है, डेल्टा तो हम निकाल ही लेंगे, कोफिशिएंट लिखो उसका, डिटरमिनेंट निकाल लो, डेल्टा जीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, एक्स वाई और जेड। उसके बाद डेल्टा इक्वल टू जीरो और ये भी सारे जीरो हैं तो मैनी सॉल्यूशन, डेल्टा जीरो है ये जीरो नहीं है तो फिर नो सॉल्यूशन। और अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू है तो इसी के अंदर आएगी ना वैल्यू, इसके अंदर तो सारी वैल्यू होगी, इसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये जेड की वैल्यू, तो ये आपका हो गया क्या, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इससे ज्यादा आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन नहीं है सर, इससे ज्यादा नहीं है हमारे, इसका मतलब और भी बहुत सारी चीजें होती है। हाँ बहुत सारी चीजें होती है, मैट्रिक्स मेथड भी होता है, ट्रेवल सॉल्यूशन भी होता है, लेकिन अपने इतना बिल्कुल भी नहीं है, इतना ही कंसेप्ट आपको दे रखा है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इतना ही हम करेंगे। तो इसके क्वेश्चन करा दूं मैं थोड़े से, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा भी लग जाएगा। देखिए आप, हाँ जी बच्चों, कुछ क्वेश्चन मैं आपको और भी करा दूंगा, अभी हम करते हैं स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन। इसमें तीन ही क्वेश्चन दे रखे हैं आपके एक्सरसाइज के अंदर, 29, 30 एंड 31, तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले 29 क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए क्या दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कितना दे रखा है आपको 1, डेल्टा वाई दे रखा है -1, डेल्टा जेड कितना दे रखा है ये 1 और डेल्टा दे रखा है 1। तो अपने को एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है और कुछ भी नहीं, तो एक्स हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, वाई हो जाएगा डेल्टा वाई बाई डेल्टा और जेड हो जाएगा डेल्टा जेड बाई डेल्टा, बस इतना सारा, बस वहां पे 1, 2, 3 लिखा होता था, या एक्स वाई जेड दे रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है जी। तो 1/1 आंसर इज 1, -1/1 आंसर इज -1, 1/1 आंसर इज 1, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई बस सर, इतना ही जी क्वेश्चन था क्या, हम तो ऐसे ही घबरा रहे थे, तो पहले बोला बेटा घबराया ना करो, सारी चीजें कवरअप होगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, बहुत जल्दी डर जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 30 है, इसके अंदर आपको बोल रहा था वैल्यू बतानी है एक्स वाई जेड की, आपको क्या बतानी है, वैल्यू बतानी एक्स वाई जेड की। सर ये तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, अरे देखो तो सही, 30 क्वेश्चन नंबर 30 लिखने जा रहा हूं मैं, 4x-5y, 4x-5y-2z इक्वल टू जीरो, नेक्स्ट 2x+2y+z इक्वल टू 2, 2x+2y 8z-1, और आपको एक्स वाई जेड की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई जेड की क्या निकालनी है वैल्यू। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू जो निकालनी है, तो जो आंसर आएंगे क्या आपसे पूछेगा कि आपने कैसे निकाले हैं, भाई आपने अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना हो तो सर क्या करना पड़ेगा, डेल्टा निकालना पड़ेगा, डेल्टा 1 निकालना पड़ेगा, डेल्टा 2 निकालना पड़ेगा, डेल्टा 3 निकालना पड़ेगा, चारों का डिटरमिनेंट करना पड़ेगा, फिर उनको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर आंसर आएगा। किसने बोला ऐसा करने के लिए, मैंने तो कभी भी नहीं बोला, मैंने तो बोला आंसर देखो, आंसर जो उसने दे रखे हैं, उसने ये पूछा है कि आपने कौन सा मेथड लगाया, क्रम रूल लगाया कि नहीं लगाया, मैट्रिक्स लगाया कि नहीं लगाया, अभी आंसर से मतलब है। ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन है 1-1 एंड 1, और ये तो दोनों ही ऑप्शन सेम दे दिए, ए और सी, तो कोई मिस्टेक कर रखे इसने, एग्जाम में सेम नहीं आएंगे, ठीक है, आपकी बुक के अंदर जो दे रखा है ना क्वेश्चन नंबर 30, तो इसने ए और सी ऑप्शन सेम दे रखे। तो हम क्या करते हैं, पुट करके देख लेते हैं भाई, इनकंसिस्टेंट का मतलब सोल्यूशन ही नहीं है, इनकंसिस्टेंट का मतलब देखो कितने ऑप्शन है, ए बी सी डी, डी तो नन है, इसने ए और सी सेम दे रखा है, चलो कोई बात नहीं, ए और सी हम अलग अलग मान लेते हैं, और बी क्या दे रखा है, इनकंसिस्टेंट दे रखा है, तो बी क्या दे रखा है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब तो सोल्यूशन ही नहीं है, चलो बात की बात है सोल्यूशन नहीं है, अरे ये दो दे रखे है, अगर इन दोनों में से किसी से पुट करके अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो वो आंसर आ रहा है, सही बात है, तो ये पुट करके देखते हैं, किस में करके देखिए, किसी में भी करके देख लो, जो एक को सेटिस्फाई करेगा वो सबको ही करेगा। तो इधर एक पुट करा तो 4 आया, -1 पुट करा तो कितना आया, -1 पुट करा तो इधर कितना आ गया 5, और एक पुट करा तो -2, तो ये तो नहीं सेटिस्फाई हो रहा भाई, तो ये वाला तो नहीं सेटिस्फाई हो रहा, इसमें भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसमें किसी में भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा, तो क्या आंसर आ जाएगा 30 का, 30 का आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर आ जाएगा। देखो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों सेम है, इसके अंदर बाय चांस सेम नहीं है तो आप ये वाला पुट करके देख लेंगे, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर कर लो, इससे नहीं हुआ तो ये वाला पुट करके देख लेंगे,
इसे भी नहीं हुआ तो भी आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो हमने कहां मैट्रिक्स वाला मेथड लगाया, कहां हमने लेंथी मेथड लगाया, कंसेप्ट पता हो, जरूर नहीं है कि क्वेश्चन उस कंसेप्ट से किए जाए, ठीक है ना। अब उसके बाद क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है हमारा 31। तो 31 में भी वैल्यू पूछ रखी है, तो 31 में वैल्यू पूछ रखी है, ऑप्शन पुट करके देख लो, जो सेटिस्फाई हो जाए भाई आंसर, सर ये तो जैसे इक्वेशन वाला किया था वैसे ही हो गया, तो वैसे तो है, मैंने तो आपको सिर्फ कंसेप्ट बताना है, कंसेप्ट देखना है, क्वेश्चन किसने बोला है किसे करो, तो 31 के अंदर भी ऑप्शन पुट करके देख लो, जिससे हो जाए वो आंसर आ जाएगा। बस ये चैप्टर तो कम्प्लीट ही हो गया सारा, तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, मैंने सारे करा दिया ये तो, और जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के वो करके देखना है बस, तो जी कम्प्लीट ही हो गया। तो और क्वेश्चन तो कैसे करें, तो और क्वेश्चन मैं आपको थोड़े बहुत सेंड कर देता हूँ, वो ट्राई कर लो, कोई डाउट है तो फिर पूछ लेते हैं, ठीक है। बस इतना चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो बच्चों ये वाला करना, ठीक है। और अभी आपका एक टेस्ट भी होगा, मैं आपको बता भी दूंगा, ठीक है। तो ये टेस्ट होगा, टेस्ट तो अच्छे से और ये करो बस, और डरने वाली घबराने वाली बात है ही नहीं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इस तरीके से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़े दिन बाद आप लाइव क्लास लगा लेंगे, एक आधी कोई क्लास, तो जैसे अभी हम कर रहे हैं ना, इसी तरीके से डाउट्स लेंगे आमने सामने करके, ठीक है। हो सकता है ऑफलाइन भी जल्दी स्टार्ट हो जाए, ना हुआ तो कुछ ना कुछ सिस्टम तो देख ही लेंगे, क्लियर। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, फोन कर लिया करो, बात कर लिया करो, कोई सिस्टम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट्स ले लिया करो, ठीक है। ओके, कल मिलते हैं।